पिछले सप्ताह में जो हम लोगों ने पांच बातें की थी, पहली बात क्या हुई थी? लक्ष्य जो है वो एक साल का दो साल का बदलता रहता है, लेकिन नाइन्थ का लक्ष्य अलग हो सकता है, ट्वेल्थ का अलग हो सकता है, लेकिन डिजिटल कुछ लक्ष्य होता है। जिंदगी के लक्ष्य को देखने गए तो उसमें चार बातें निकल के प्रयास प्रयास कर रहे कुछ बनने के लिए, बनकर के कुछ करना या पाना कर रहे उसे फिर होना होगा। तो डॉक्टर बनना आपका प्रयास कर रहे हैं, भाई लोग पढ़ डॉक्टर बन गए तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, बीमारी दूर कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा, पहचान बन रहा, काम हो रहा, सम्मान हो रहा, उससे अंतर तो क्या हो सुखी हो रहे तो हो रहे हो रहे। तो लक्ष्य क्या है? सुखी होना और सम्मान, ये दूसरी बात। बाकी जो है तीन चार चीजें वो लक्ष्य है, रास्ते हैं। लक्ष्य निश्चित होता है, रास्ते समय समय पे बदलते हैं। एक रास्ते से लक्ष्य तक पहुंचे तो अच्छी बात, तो पहले क्या नहीं भी पहुंचे तो लक्ष्य थोड़े खत्म हो गया, रास्ता बदला, दूसरे रास्ते से पहुंचे। तो तीसरी बात तो चौथी बात क्या थी? हमको मानने नहीं, जो भी बात मैं कहने वाला हूँ उसको माने नहीं बल्कि जाने। कई बार आप क्या करते हैं, मुझे जो मैंने कहा तो माने नहीं, आप इसको भी मान लेते हैं कि चलो कई बात तो जाचना है, जाते थे तो सही मिलेगा, तो सही नहीं मिलेगा तो सही मिला तो भी बताए, सही नहीं मिला तो उससे आप उसको चर्चा और चर्चा करने की वही रहते हैं। ये हो गई जैसे विश्वास है स्वीकार है या अविश्वास, सम्मान है स्वीकार है कि अपमान, ऐसे ही सभी का सम्मान है स्वीकार है या सिर्फ बड़ों का सम्मान इस पर कुछ आप लोगों के ब्रेक के दौरान जो आपकी चर्चा होगी, कुछ सोचा आप लोगों ने, उस पर कोई बात आपके ध्यान में आई हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो बोल दो। आगे बढ़ा दे कितने को मैं बता दूँ वाले को अरे हम लक्ष्य के रूप में क्या मिलता है हम लोगों को? लक्ष्य के रूप में आधा प्रति वर्ष सम्मिलित होगा, सबसे लिए एटीएमसी निकल के होगा अलग अलग, लेकिन जो रास्ते हैं वो एक आ रहा है क्या अलग अलग। लक्ष्य निकल के आया तो फिर वो आप सब ले तो स्पष्ट हो गया कि फिर वो आप सब ले और निश्चित सी बात है कि आप सब पढ़ाई कर रहे हैं,
फिर पास करेंगे फिर हाई स्कूल पास करेंगे फिर ट्वेल्थ पास करेंगे फिर कोई डॉक्टर बनेगा कोई इंजीनियर बनेगा कोई पुलिस में जाएगा कोई नर्स का काम करेगा कोई अलग अलग तरह का काम करेगा उससे आपको नौकरी लगेगी उससे जो काम करेंगे उससे आपको सैलरी मिलेगी तनखा मिलेगा है ना 20,000 का महीना 50,000 तनखा आएगा उसको पैसे का क्या करेंगे सामान खरीदेंगे स्कूटर खरीदेंगे मोटरसाइकिल खरीदेंगे मोबाइल खरीदेंगे ये सब तो लगेंगे ना तो आपने क्या किया पढ़ाई की पढ़ाई करके नौकरी किया नौकरी से सैलरी आई तनखा आई उससे क्या खरीदा बहुत सारी सुविधाएं सामान सुविधाएं तो आपने कुछ सुविधाएं खरीदा सुविधा खरीदा नौकरी करेंगे उससे सैलरी आएगी पैसा आएगा उससे उसमें समाज सुखी होंगे दुखी होंगे सुविधाएं खरीदने की सब इच्छा है कि सुखी आपके पास खाना कपड़ा ये सब मिल रहा होगा लेकिन आपकी कमा है आपकी जुटा है कोई और जुटा के आपको पापा मिल रहे मम्मी मिल रही कोई तो ले रहा है लेकिन कुछ समय तक लेंगे तो बुजुर्ग हो जाएंगे फिर आपसे अपेक्षा होगी आप कमा के दो ऐसे चलता है ना तो आप सुविधाओं को जुटाते हैं इसके लिए अपने और अपने परिवार की सुविधाओं का अभाव होता है तो सुखी होते हैं दुखी होते हैं सुविधाओं का जो अभाव होगा जो सुविधा चाहिए वो नहीं है आपके पास जैसे खुद लगी और खाने के लिए भोजन कर रहे हैं सही हो गया दुखी हो गया अभी जाड़ा आ रहा है जाड़े के कपड़े ना हो तो सुखी की दुखी विंटर जा रहा है ठंड आ रही है ठंड में जो कपड़े चाहिए अगर वो ना हो तो दुखी हो गया गर्मी खूब पड़ गई और पंखा नहीं है तो हमारा सुख और दुख किससे जुड़ता है सुविधा अब एक प्रश्न क्या हमारे घर में जितने भी दुख हैं सब सुविधाओं के कारण ही है सुविधाओं के अभाव में ही है या किसी और कारण से भी लोग घर में दुखी जैसे आपका अपमान हो रहा है आप सुखी होते हैं दुखी होते हैं आप कोई बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं और सामने वाला उस पर विश्वास ही नहीं करता है अब आप दुखी महसूस करते हैं दुखी महसूस करते हैं ये जो आपके ऊपर सामने वाला विश्वास नहीं कर रहा आपका जो सम्मान नहीं हो रहा है उसमें घर में कितना पैसा और इकट्ठा करके भेज दिया जाए कि विश्वास बन जाए पैसे से कुछ लेना देना है इसका कितना पैसा और जोड़ दे कि सामने वाला आपकी बात को विश्वास पूर्वक मानने लग जाए इसका तो कोई दिमाग इसका मतलब ये होगा कि हमारे सुख और दुख पैसे और सुविधा से तो जुड़े ही हुए हैं लेकिन जब विश्वास टूटता है सम्मान टूटता है ना सामने वाला जब हमको उसने नहीं करता दूसरे को करने लगता है तो उससे जो दुख होता है ये तरह का दुख ये दोनों तरह के दुख हमारी जिंदगी में होते हैं या काली सुविधा की कमी का जैसे परिवार में जिंदगी तो बहुत बार लोग दुखी होते हैं उनके खाने को बहुत बार दुखी होते हैं उनके पहनने को नहीं है
बहुत बार उपयोग हुए कि भाई घर छोटा पड़ रहा है और बहुत बार बोले भी उपयोग हुए कि सामने वाला उनकी बात को विश्वास नहीं कर रहा, सामने वाला उनकी बात पर उसका सम्मान नहीं कर रहा है। ये दोनों ही तरह से तुम बोलते हैं ठीक से लेकर भोगने के झेलने के नजर कारण है वो दो तरह के, एक सुविधाओं के अभाव के कारण भोगते और दूसरा जो संबंध है हमारा आपका संबंध है इसमें विश्वास ना हो इसमें सम्मान ना हो उससे भी दुखी होते हैं, दोनों से दुखी होते हैं। ज्यादा बार किससे दुखी होते हैं, सुविधाओं के अभाव के कारण या संबंध में भाव नहीं रहता उसके कारण? दो चीजों से दुखी होते हैं, ये बात निकल के है जिसका पहला सुविधाओं का अभाव होता है तो भी दुखी होते हैं और संबंध में भाव निकलता है तो भी दुखी होते हैं। लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि ज्यादा दुख जो परिवार के लोग झेलते हैं वो कौन सा वाला? संधाय का वृद्धि विवाह ना सुधा वाला भी होता है लेकिन उससे भी कौन सा वाला संधाय की बात स्पष्ट हो रही है? यस सर। आप बोलो सर। अगर अभी कर दो बस आप पूरी बात पर आएंगे जैसे आप देखेंगे तो आज के दिन तीन तरह से आदमी ऐसा उससे डर लगता है। जैसे आप बाहर निकले काम के लिए साफ सुथरा डर लगता है, डर हमारे दूर कर देता है। हम लोग बाहर निकले आंधी आ गए कई बारिश होने लगी ऐसा नहीं उनके डर लगता तो दो तरह के डर है। कौन कौन से? एक डर तो ये है कि दो तरह के डर पर कौन से निकलेगा? एक डर तो ये कि कोई जरूरी जानवर नहीं है सांप निकल आएगा, शेर निकल आएगा, बिच्छू निकल आएगा, काट लेगा आपको, तो जरूरी जानवरों का है एक तरह का डर है। दूसरे तरह का डर हमारे साथ चीज से व्यवहार हम सही बात कह रहे हैं उसके बाद जो ध्यान नहीं है हम पर शंका कर रहा है हमारे साथ हमारी व्यवहार कर रहा है जैसे बिना बात के हमको डांटना है उससे भी डर लगता है ऐसे कई बार लगता है हमको सही बात के घर में कह दिए भरोसा लेकिन चार बार उनका मुंह देखना पड़ता है मुंह देखता ठीक है कि वो आज मुझे देखा हो गए कई बार तेरा बोलते लगता है लेकिन पापा से कुछ कहता होता है तो मम्मी से पूछते हैं झूठ ठीक है कि नहीं बात करें कि नहीं चार दिन बाद में निकल तो ये डर लग रहा है ये दूसरे आदमी जंगली जानवर तो हम लोगों से करने लगे आपका जो पीछे लड़की है उसमें चित्र बनाने का जूम के भया पर किस जानवर का चित्र बनाने का सेब सेब को तो हम लोगों के जाया की जरूरत है तो जंगली जानवर तो आप लोगों से करने लगे हम लोग घर जैसे लगा लिए स्कूल जैसे लगा लिए बाहर आ गया है तूफान आए सुरक्षित रह सकते हैं भूकंप अगर बड़ा आ गया तो
ये सुविधा के अभाव के कारण है या संबंध के संबंध में भी ना होने के कारण इसलिए आदमी के सुख पूर्वक जीने के लिए दो चीजें आवश्यक होती है, सुविधा भी और तो सुविधा के अभाव में भी दुखी होते हैं और संबंध के अभाव और इससे पहले जो चर्चा हुई थी ये वाले के कारण ज्यादा बार दुखी हो रहे हैं ये वाले के कारण अभी जो हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो सुविधाओं के लिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि संबंध में गड़बड़ी हो उसके लिए ज्यादा प्रयास दुखी किसके कारण अधिक है मेहनत अधिक कहां पर है सुविधा दिखते होंगे जैसे मान लो आप पढ़ते हो मैथ गणित पढ़ते हो मैथ पढ़ते हो फिजिक्स पढ़ते हो मैथ पढ़ते हो क्या विषय तो किसी को मैथ खूब अच्छी आती है और साइंस कम आती है फिर भी वो मैथ खूब पढ़े और साइंस दुर्लभ पढ़े तो कम पढ़े पास होकर फिर हो क्योंकि जो कमजोर है उसका नहीं ध्यान देना पड़ेगा अगर नहीं ध्यान दे रहे तो नहीं होंगे ना ठीक वैसे ही हमारे सुखी होने के लिए सुविधा और संबंध को बदल चुके और समस्या किसमें ज्यादा है सुविधा वाला है कि संबंध वाला ज्यादा समय और प्रयास कहा जा रहा है सुविधा तो जिंदगी में कुछ बदल रहने वाला है खत्म होने वाला है इसलिए चाहे बच्चे रहे चाहे बड़े हो चाहे दो चार कपड़े घर में हो या 40 कपड़े हो चाहे दो कपड़े के घर में रहे हो चाहे 40 कपड़े के घर में रहे चाहे साइकिल से आते हो चाहे कार से आते हो सुविधा वाले को आराम मिल जाता है संबंध वाले को आराम इसलिए क्या करना पड़ेगा सुविधा पर ध्यान देना पड़ेगा सुविधा और संबंध दो चौबीस घंटे के आराम से सोते हैं चार पांच घंटे खेलते भी होंगे आठ घंटे स्कूल आते होंगे दो तीन घंटे होमवर्क करते होंगे फिर भी एक दो घंटा तो बचता है वो एक दो घंटा संबंध पर समय लगाया जा सकता है कैसे कैसे लगाया जा सकता है दिन भर में जितने लोगों के साथ जीना हुआ उनसे पूछा जा सकता है जैसे आज आप हमारे कारण दुखी हो हमारी कोई गलती तो आपको नहीं दिखी या हम किसी से किसी बात के दुखी है तो उसको बता सकते हैं है ना स्कूल में किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने हमको गलत समझ दिया है आपको विश्वास नहीं किया तो हम साथ में सुपर कहकर पूछ सकते हैं मैं आपको सब आपका विश्वास नहीं कर सकते क्या सकते ये तो समय लगा रहे हैं ये समय सुविधा पे लगा रहे हैं कि संबंध पे लगा रहे हैं इससे संबंध में और विश्वास बढ़ेगा कि कम होगा इसलिए जो संबंध के कारण जो झेलना पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम तो उपाय क्या निकलता है सिर्फ सुविधा पर ही प्रयास किया जाए या सुविधा और संबंध दोनों आदमी के लिए तो दोनों
क्यों जरूरी है? क्योंकि आदमी दोनों के अभाव में दुखी है। संबंध विधा का अभाव हो जाए तो भी दुखी, संबंध के अभाव हो जाए तो भी दुखी। इसलिए आदमी को सुखी होने के लिए तो बोल सकते ये रिश्ता ठीक है। आदमी और पशु में रिश्ता एक होता है। जैसे गाय, गाय को ले आप घास दे दीजिए तो खाने खाने के बाद क्या करते हैं? गाना बजाते फिर भी कुछ इच्छाओं में बैठ जाएंगे और मुंह चलाने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? अपन भूखा नहीं करना है सब मुंह चलाते रहते हैं गाने और क्या किया जाता है करते हैं उसको बोलते हैं भूखा नहीं करना। आपको क्या क्या बोलते हैं? फालतू का भूखा नहीं करना क्या फालतू की भूखा नहीं करना आपको आराम से बैठा चार चीजों की बात चलने लगती है उसमें बात नहीं वो कल बताऊंगी आपका पेट घटे तो सोचिए जब हम लोग सुविधाओं का अभाव होता है खाने को नहीं मिल रहा पहनने को नहीं मिल रहा तो हम बहुत बेचैन हैं लेकिन जब सुविधाएं मिल जाती है तो भूल जाते हैं आदमी के लिए सुविधा तो आवश्यक है ही लेकिन साथ साथ पशु का काम हो सकता है खाली सुविधा से चल जाए लेकिन आदमी का सुविधा को चलिए नहीं है सुविधा के साथ साथ तब जाके सुखी होने वाले नाते हमारे परिवार में तो दुख है बहुत सारा दुख तो सुविधाओं के कारण भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर दुख किसके कारण है समस्या क्या है कि हम सुविधाओं के समय ज्यादा आ रहे हैं और मन जो है इस कारण सुविधाएं चाहे कितनी भी बढ़ जाए दुख घर में बना रहे हैं क्योंकि जो समस्याएं संबंध के कारण है वो सुविधा से दूर नहीं होगी से दूर होगी इन दोनों के अभाव में आदमी के लिए जरूरी जरूरी चीज है छुट्टी होने के लिए ये तो चाहिए आदमी को छुट्टी होने के लिए तीसरी चीज भी ऐसी है क्या जो आदमी को छुट्टी होने के लिए जरूरी एक तो सुविधा होगी हमारे दूसरी क्या होगी तीसरी भी कोई चीज है क्या जो हमारे लिए छुट्टी होने के लिए आवश्यक है इस पर विचार करेंगे अपनी 15-20 मिनट का आपस में चर्चा करिए पूरा चुनना तो जरूरी है ही संबंध भी जरूरी है लेकिन कोई चीज भी चीज जरूरी है क्या किसी को लॉक करने को आज के दिन का इंसान इंसान से संबंध इसमें हम लोग शुरू में तीन लोगों को ऑफर देते हैं तीन लोग आप मुझे एक एक करके नाम बताएं ये बताएं पिछले दो सप्ताह हमको ये बात ज्यादा अच्छी लगी है
उससे पहले क्या किया था मैंने राजा सिंह ने सुना कि आप कोई भी नहीं हो कि लोग सुनते हैं या लोग तो जानते हैं वो भी सुनते हैं आप बताएंगे राजा सिंह के लोग तो सही एंड इस पर कौन बताना चाहता है इसके दो सब लोग जो बातें की हैं उनके क्या बातें आपको ठीक लगी हैं वो लोग बताना चाहते हैं लाने के लिए नाम दे पाएंगे और क्या बातें की जरूरी है आपने जो पहले सेक्शन में बताया था मुझे अंतिम सूत्र को की चाहना चाहे प्रयास बनाना करना पाना पूरा मुझे ये बात अच्छी लगी आपसे जो पहले क्वेश्चन बताया था वो ठीक है मुझे बढ़ना है कुछ जानना कुछ पाना अभी कुछ करना है हम इसलिए जो आपकी बात अच्छी लगी वो है हम अच्छे आपको समझाने के लिए और आपने भी सबसे पूछी कि आपको क्या करना है उसे डॉक्टर बनना है पुलिस बनना है नर्स बनना है कुछ भी नहीं जानते और कुछ जो भी है करना हम लोग ये कुछ भी करो आप बताइए क्या बताया आपका क्या नाम आपको जो बातें सुन रहे आपको ठीक क्या लगे तो आपका नाम बताइए आपने अपने बारे में सोचने का मौका दिया और हम जो दूसरों के बारे में सोचते थे उसे कैसा लगेगा अगर कुछ बोली तो आपने बताया कि आप अपनी दिल की बात बोलिए जो आपको सही लगता है वो बोलिए मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी मेरा नाम करीना है मुझे आपका बताने का ही विचार से ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी My name is Kanu Prajapati. जब की हालत सुनी
मानवीय जीव दो प्रकार के होते एक सुविधा वाले और एक संबंध वाले पर हम बचपन से ही सब सुविधा वाले के साथ रहा है जिससे कि पढ़ते हैं कि बनना चाहते हैं जिससे हमें सुविधा मिले पर हमें संबंध पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हाँ संबंध पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए My name is Prasad Singh, sir. मुझे आपकी पहली बार बात अच्छी लगी जो लक्ष्मी पर थी उसमें आपने बहुत रास्ते की बात बताया उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है और बहुत अच्छा लगा हमारा आपके नाक लक्ष अलग है नाक के अलग है और लक्ष को उसी लगता है आपके बदल से बाकी कुछ प्रयास करना उसके लिए कुछ करना उसे कुछ करना करके कुछ पाना ये सब उसके लिए क्या है रास्ते तो हम कुछ बनते हैं ताकि हमारा कॉलेज बड़ा हो जाए कई बार तो बनते हैं तो प्रयास करते हैं तो बन नहीं जाते कई बार नहीं बन पाते बन गया तो बहुत अच्छा नहीं बने तो भी क्या लक्ष्य खत्म हो जाता है क्या रास्ता बदलना होता है ये बात दूसरी बात आपको कॉल होते हुए उनकी कि कौन सा टाइम पे है कि आप दो दिन में कह रहा हूँ उसको आप जाने 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 भी किसके आधार अपनी आवाज़ के लिए क्या आधार है इस ऐसे व्यक्ति के काम पर क्या है कि इस आपके से पूछने से आपके से पूछने से ये बात भी है किसी फिर उसके बाद लोगों ने जो चर्चा किया उसके साथ लोगों उससे घर में सुविधाएं दिखाना अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के तो घर में पंखा हो जाए एसी हो जाए गाड़ी हो जाए मोबाइल हो जाए इस तरह की सुविधाएं घर में बन जाए नौकरी करके बढ़ा सकते घर थोड़ा बड़ा हो जाए सब हो जाए तो ये सुविधा क्या भी बढ़ जाए ताकि हमारे परिवार में सुख समृद्धि में हम पहले उत्पन्न कर सकते तो बहुत ही होता है एक बात समझ में आई कि जिंदगी में या अपने परिवार में दुख है सुविधाओं में कमी होने के कारण दुख होते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे दुख सिर्फ सुविधाओं की कमी के कारण हो बहुत सारे दुख ऐसे भी हैं जो सुविधाओं की कमी के कारण नहीं है आप उसे कोई बता सकता है कि कैसे जो सुविधाओं के कमी के कारण है जो किसी और कारण हो तो कोई भी ऐसी घटना या ऐसा जिसमें कि लगे कि सुविधा कारण नहीं है हमारे दुख का कोई और कारण है अब आपके व्यवहार एक कारण है इसको देखेंगे तो सुविधा का कारण है ना नहीं एक बात
शायद आप देखेंगे और उससे बाद में जब ये कहने लगे तो आपकी गलत उत्तर के बावजूद भी ये लाखों को भी डाकने वाला थे उससे तो जब आपकी गलती के कारण भी आपको डाकने वाला तो एकदम निश्चित हो गया गलती कैसे एकदम निश्चित हो गया गलती से डरे हुए तो सही तक पहुंचे गलती से डरने के कारण सही तक पहुंचने में देरी हुई जिंदगी में ज्यादातर जो तो समस्या इस कारण भी बढ़ गई है आजकल कि हम अपने अंदर को सोच रहे हैं शहर के बारे में घर में और ना शुरू हम अपने बारे अपनी पढ़ाई के बारे अपने रूप के बारे अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं अपने मन की बात को भी हम सोच रहे हैं कई बार घर में भी नहीं कर पा रहे कई बार स्कूल में भी नहीं कर पा रहे इसका इसके कारण हम आराम में रहते हैं कोई परेशानी रहती है और ये भी कहने वाले कि आप क्यों गलती कर रहे हैं गलती कर रहे हैं निश्चित अपनी बात को जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे तुम कराई था आप ही गई कभी तो बात की कभी नहीं हुई तो मैंने कहा क्या कुछ था बहुत सारे हमारे परिवारों का जो होते हैं कुछ दुख किसी में होते हैं स्टेट मार्केट उधर में रुकी लेकिन बहुत सारे दुख हमारे परिवार में ऐसे भी होते हैं जो सुविधा से जुड़े हुए नहीं होते हैं किसी और कारण होते हैं जैसा है मुझे बताया और भी कुछ कारण होते हैं संबंध में अभाव और तो घटना बता सकते हैं तो उदाहरण बता सकते हैं इस कारण हम दुखी हो रहे हैं या सुलझाता तो हो कोई घटना जैसे घटना वाला ये मेरे छोटे भाई की बेटी है उसकी मम्मी उसको खूब डांट रही है डांटते हुए तो एक दिन उसकी बोली बोले लगी जब उससे पीटा भी नहीं उसने डांट पड़ी नहीं बोली ऐसे उदाहरण होते होंगे ना आप उनके साथ भी घंटे होंगे इसके बारे में उनको बताया जब किसी के ध्यान में उसका रहता है बात की है आप उस जगह दुखी हुए जिसमें सुविधा कारण नहीं था क्या कारण था उदाहरण बता सकते हैं आपको पहले हमें कहते थे हम पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं क्या करने वाले आप कहीं दुखी हो जाओ इस बात के कारण इसको सुविधा क्यों नहीं है तो जैसे तीन खिलौने खरीद के आए छोटे वाले भाई को दो मिल गए और आठ को ले लिए सुखी हो ना दुखी हो अब इसमें थोड़ा सुविधा देना है इसमें थोड़ा सुविधा देना आपको दो चॉकलेट मिले और आप छोटे भाई या छोटे बहन से आप लेके गए ले लो और उसमें दो ले आपकी बात कर लो तो किसी के पास पकड़े पास क्या होगा तो पढ़े हो तो कैसा फील होता है बड़ा आपका अच्छा है पूरा हो जाएगा लेकिन वो भी तो दुख दे रहे उसमें भी क्या करेगा छोटे भाई या छोटे बहन को कुछ समझाया उसने उसको मारा नहीं उसके लिए कुछ और किया और कोई और
tôi nhỏ bán cái gì đúng không? Ai sẽ xử ra thế? Sao mà? Cái áo của cái trường hợp mà đáp anh đã áo được đi luôn. Lấy cái xử ra cái bài này để chẳng biết. Sao mà? Anh đã có cái bài này. Nhà sử dụng đáp được đi luôn, để đưa ra chắc thế. Nhà sử dụng đáp được đi luôn, để đưa ra chắc thế. Sao dạng sống bằng cái đèo hóa được đi luôn, để đưa ra chắc thế. Apa sebut tu macam ni? Kesian kami buat ni, apa dosa tu? Eh, tu pernah begini sehingga, pernah saya tanya, apa bahagian tu? Saya katakan, awak ini bukan yang ni. Uskup nombor apa yang ada? Dia orang di kamar. Kesian dia. Apa? 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 Jadi, kalau kita ambil modal itu, kita ambil untuk modal. Asal sih, orang tu boleh. Bukan sahaja, asal tu, dia bukan dari sana. Jadi, kalau kita ambil modal itu, kita ambil untuk modal. 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 Kita ambil अब से लेकिन कई बार आप बहुत सुखी हैं सुखी हैं उनके कई बार बहुत तो ऐसा कोई बता सकते हैं ऐसी कोई घटना बता सकते हैं ऐसा कोई दिन बता सकते हैं जिसके आप बहुत सुखी हैं सुखी हैं और जिसके आप बहुत दुखी हैं बता सकते आप बताओ
And then I'll have to do the best. I said, you are the body, that's what I said. That's what I said, that didn't work for me. But we are the world. So, that idea can be good. So, we can't do what we do. We can't do what we do. We can't do what we do. I said, I was the whole thing. So, the last time I had that, so we can't do it. We can't do it. Or, so, we can't do it. We can't do it. We can't do it. आपने कहा कि भाई वो कहता है ना डांटने पड़ती है अभी वो कहते से नहीं है तो हम कहे तो यार तो उसे लगा क्या टाइम पर तो काम करते हैं तो नहीं किसी भी गलती का दान किसी को भी करे ये सहज सी बात है तो अपने पति को भी नहीं बताओ तो ये सब कौन सा वाला सीधा वाला पसंद वाला आपको उस नंबरों को ऐड करना सिखाया है चार और छह कैसे ऐड करेंगे टेन और ठीक है जोड़ेगा दो नंबरों को जोड़ेगा टीचर ने कुछ नियम बताए ना इसको ऐसे जोड़ो फिर उसमें पहली आएगा आपको आएगा पहले लेगा फिर जोड़ो ऐसा कुछ बताया होगा आपको वो नियम टीचर का होता है और आपसे कहें कि जोड़ के दिखाओ जोड़े जैसे अगर मैं आपको परिवार के जितने लोग हैं भाई बहन मम्मी पापा जितने भी लोग परिवार हैं आप उन सबके साथ संबंध को जोड़ने के लिए चाहते हैं
दोस्तों के साथ भी संबंध लोगों के लिए क्या है कि झगड़ा क्या है जीना तो चाहते हैं घर में दोस्तों के साथ संबंध लोग क्या हमेशा संबंध लोग जी पाते थे या कभी जी पाते हो कभी झगड़ा होता है कभी झगड़ा होता है तो उसी में से दुखी होते क्या करता है किसी तरह से तो बाकी होती है क्या भी कभी झगड़ा खत्म हो जाता है ऐसा किसी दोस्त के साथ या परिवार में दोस्त ऐसा हो गया रास्ता में परिवार हो आप सुनो आप संबंध को जीना चाहते हैं संबंध को जीने चाहते हैं इधर झगड़ा होता है झगड़ा आते हुए तकरार भी होता है इसी को लगता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप झगड़ा ना हो वापस फिर झगड़ा हो जाता है ऐसा क्यों हो रहा है आप कह रहे हो संबंध समझ में संबंध ठीक से जैसे मैंने कहा कि भाई आप अपने परिवार और संबंधियों के साथ दोस्तों और घर के लोगों के साथ को संबंध देने की नहीं चाह सकते किंतु आपका चाहना सही है कि गलत है संबंध को देने की चाहना सही है कि गलत है लेकिन आप चाहते हैं आप जो चीज चाहते हैं हर बार ऐसा कर पाते हैं या कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते जिसको कैसे करना है क्या करना है नहीं समझ में आता है ऐसे चलता है क्या जैसे मैं उदाहरण दिया कि भाई दो नंबरों को बोलने के कुछ नियम शिक्षक ने बताए आपको नियम समझ में आ गया तो भूल लेते हैं जरूरी है अभी क्या है हम समझ को तो जीना तो चाहते हैं लेकिन समझ के लिए समझने का आप नहीं कर रहे इसलिए सीधे की पाने की बावजूद भी हमसे ज्यादा समझ में गलती आ हमसे भी होती है और दूसरे से लेकिन हमको अपनी गलती पहले दिखती है कि दूसरे की पहले होती और दूसरे को कौन सी वाली दिखती है उसको तो अपने दिखता नहीं तो हमारी दिखती है और इससे झगड़ा खत्म होता और बढ़ता है तीसरी बात हमको लेकर आदमी को ये सुविधा भी प्राप्त है और तीनों जरूरी है तीनों जरूरी है तीनों में किसी को छोड़ा गया कोई चौथी चीज है जो हमारे सुख को प्रभावित करती है जिससे कुछ जुड़ा हुआ है और उसके काम नहीं ऐसी कोई चीज आपके ध्यान में हो कि भाई ये भी मेरे को कोई दुखी करता है इसको भी दुखी करना चाहिए कोई बात ध्यान में आ रही है हम अपने परिवार में हम सब सुखम रहने को लग गया चाहते तो हमने कहा कि तीन चीजें आवश्यक है उसके लिए तो तीन चीजों के अभाव में दुखी होते हैं इसके अभाव होगी इसके अभाव में तो चौथी चीज भी आपके ध्यान में है क्या आपको उसके लिए जाने की छूट गई
So, और इसके बिना ये नहीं हो सकता, इसलिए एक नंबर आप सकता कहना है इसका। दो नंबर पे किसके नाम संपन्न, दो नंबर पे संपन्न और तीन नंबर पे सुनीता। सही क्या लगा? यस सर। एक नंबर पे सही समझ, दो नंबर पे संपन्न और तीन नंबर पे सुनीता। किसी चीज को तीन नंबर पर रख दिया, इसका मतलब ये हुआ है कि आप उसको छोड़ दें? नो सर। आपको दूसरा पेंट है, दूसरा पेंट है, एक नंबर पे क्या कहते हैं? दो नंबर पे दूसरा पेंट है, तो आप तो दो नंबर पे पेंट है, तो आप छोड़ देंगे। तीन नंबर पे सुधा कहते हैं, इसका मतलब ये कोई है, सुधा को छोड़ देंगे। सुधा भी महत्वपूर्ण है, समझ में महत्वपूर्ण है, जिससे एक नंबर पे बात कर दिया है, सही समझ के बात समझ से सम्मान का भाव समझ नहीं तो आएगा, सुरक्षा सुरक्षा को देखेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखने का, तो अगर आप सही समझते हैं अपने बारे में तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, अपने को सही नहीं समझते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। तो रिस्पेक्ट भी मांगनी पड़ती है, तो अपने को सेल्फ की समझ से आपको रिस्पेक्ट दे। इस तरह से और चीजें सोच सकते हैं आप। तीनों महत्वपूर्ण है, उसका प्रायोरिटी होगा सही क्रम क्या है, एक दो और तीन। अभी अगर हम अपने जीने के लिए अपने परिवार के लिए जीने तो ज्यादा महत्व किसको दे रहे हैं? जैसे जिसको ज्यादा महत्व दे रहे उसको अधिक समय लगाए, किस पर अधिक समय लगा रहे हैं? ज्यादा समय किससे लगा रहे हैं? कितना समय सुविधाओं के लिए लगाया, कितना समय संबंध पे लगाया और कितना समय सही संबंध पे लगाया, कौन सा वाला समय ज्यादा हो? सही तो हमको ये लगता है कि एक नंबर पे क्या हो, दो नंबर पे सम्मान, तीन नंबर पे सुविधा। लेकिन जब जीने जाते हैं तो मामला समझ जाता है, जीने में लोग क्या गलती करने लगते हैं, एक नंबर पे किसको जाते हैं और बाकी दो तीन पे नहीं जाते, एक नंबर पे सुविधा आते हैं बाकी दो तीन क्या हो जाते हैं। जैसे दो लोग बैठ के घर में बात करें तो बात ये नहीं करेंगे कि भाई सम्मान को कैसे ठीक किया है, बात क्या करेंगे कौन सी कटिंग बड़ा हो गया कौन सी बढ़िया है बढ़िया है, तो भले बोले बैठ के बात कर रहे हैं, समझ के बात कर रहे हैं, सुधा बात कर रहे हैं। जबकि जरूरी पी हो, जरूरी पी हो आदमी पी हो पी हो जरूरी है, लेकिन जब जानवरों के लिए देखा जानवरों का काम हो सकता है कि सुविधा से इसको पीने के लिए घर मिल जाए, खाने के लिए चारा मिल जाए,
काम के लिए दिमाग में कोई दवाई मिल जाए उसके बाद उस गाय को जो है वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती कि पड़ोस की गाय का रूचा करे तो क्या करता उसका बच्चा जो है वो घास पे बैठता है आदमी को देखता है पशुओं को देखते तो पशुओं का काम इतने कर आदमी को देखे तो आदमी के लिए इसलिए अगर कोई आदमी भी सिर्फ इतने जीने का प्रयास कर रहा है इतने को पूरा करने में अपनी जिंदगी लगा रहा है तो आदमी जैसा जी रहा है कि पशु जैसा जीव चेतना मानव नहीं था चेतना कितना करता उसके तरफ हो रहा है किसी का नाम कितना हो सकता है लेकिन आप देखेंगे तो अगर तीनों के साथ जी रहा है तो इसमें क्या कहेंगे मानव अगर तीनों के साथ जी रहा है तो मानव चेतना एक के साथ जी रहा है तो अगर कोई भी आदमी इस जगह पे है तो यही बना रहे यहाँ पे आ रहे कोई भी आदमी खासतौर से 20 साल 25 साल आदमी आपको कितनी साल की पढ़ाई कर चुके 11 साल आकर और दूसरे भी करके भी कुछ नजरिए बड़े होंगे 11 साल आ चुके और आगे अभी 2 साल बड़े हाई स्कूल में 2 साल पढ़ेंगे इंटर में है ना 3 साल पढ़ेंगे 4 साल 3-4 साल ग्रेजुएशन में 2 साल मास्टर्स में 8-10 साल और पढ़ने वाले कितने साल हो गए 18-20 साल हो गए ना 18-20 साल पढ़ाई करते हैं तीनों पूरा करने के लिए कितना लोग पूरा करते तो हम 18-20 साल की पढ़ाई में अपनी चेतना में अपने कॉन्शियसनेस में अपने में ऐसा विकास कर ले कि तीनों को पूरा कर सके इसी को क्या कह रहे हैं मानव चेतना खाली में से प्रयास करे तो तीनों वो तो हो गए लेकिन इसके अभाव में जो दुख है वो खत्म हो जाएगा कि बढ़ा रहेगा इसलिए आप देखेंगे अभाव में लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा मेहनत कहाँ कर रहे हैं ये वाले छूट रहे हैं छूटने के कारण ये वाले दुख से तो और उनका आराम मिल जाए लेकिन ये छूट जा रहा है तो ये वाले दुख कैसे के कैसे बन रहे तो जैसे चार लोगों से नाराजगी है यहाँ पे कितना भी सुविधा बढ़ जाए तो नाराजगी तो दूर होती कितनी सुविधा घर का वो बढ़ा ली जाए तो चार लोगों की नाराजगी अपने आप में ऐसे हो सकता है सुविधा में हमको हमारे दुख से आराम अब मान लीजिए फैन भी चल रहा खराब हो गया सुविधा का अभाव हो गया फिर बेचैनी हो गई उपाय क्या है फैन बदलवा दिया बेचैनी से भी कहां से निकले सुविधा के पास लेकिन इस चलते हुए फैन के कमरे में आप बैठे ही कर दिए और जिसके साथ बैठे हैं उसके साथ संबंध खराब वो आपका अपमान करता है आपके अंदर उसके लिए विरोध का भाव चल रहा है तो आप कितने पंखे और उस कमरे में लगा दें कि लोगों का संबंध कितना कूलर ऐसी लगा दिया जाए कि लोगों का संबंध दोनों का ठीक हो जाएगा और संबंध में अगर खराबी है विरोध है दूसरे के प्रति अपमान है तो कितना भी पंख चला ले सुखी रहने वाला दुखी रहेगा क्या होगा दुखी होंगे सभी पंखा के अभाव में भी दुखी हो सकते पंखा चल रहा है लेकिन संबंध का अभाव हो तो उससे भी खराब का उपाय दूसरे कमरे में अकेले रहे पंखा ऑन चल रहा अकेले बैठे तो सोच रहे सोचने में यही चल रहा है कि उसके प्रति योग तब यह कर पाता
ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, इसे इतना विरोध होते हैं तब चलता रहता है, उससे हम आराम में रहते हैं, परेशान रहते हैं, परेशान मतलब भूखे। अभी तो पंखा भी चल रहा है, कमरा भी अकेला है, और वो आदमी जिसका चेहरा आपने देखना चाहते वो भी सामने नहीं है, अब तो हम अकेले ही हैं, लेकिन अब हमको क्या बुरी कर रहे हैं, मेरे अपने ही सोच अपने ही विचार, इसी को उल्टा उल्टा चल रहा है, जैसे आपको कोई दिशा नहीं है। आपको कोई जैसे निर्णय लेना है, जैसे मान लीजिए टेंथ पास कर लिया, टेंथ पास करके अब आपको सकता साइंस ग्रुप में जाना हो या बायो ग्रुप में जाना हो, मैथ्स ग्रुप में जाना हो, जितने देर में आप निर्णय ले जाते हो, दो दिन चार दिन छह दिन आपको बारे में चलता रहता है, आप अपने आराम महसूस करते हैं या परेशान? भारत में कितनी सुविधाएं और बाधाएं हो जाए उस परेशानी से बाहर निकल कुछ नहीं होगा। इसी की सुविधा अपना खाना बना के खिला के अगर कुछ काम करना हो उससे बाहर निकलना है, सही समझ के अभाव एक तरह से संबंध के अभाव है, सुविधा के अभाव है, और हम तीनों ही तरह के लोगों से बाहर निकलना चाहते हैं, खाली सुविधा वाले उपाय क्या है? सुविधा वाला दुख से सुविधा के काम करके काम के समझ वाले दुख से समझ वाले दुख से तीनों के काम कहते हैं ना, आदमी की जिंदगी जो है वो तीन दिशाएं है, जैसे समय को तीन दिशाएं, लंबाई चौड़ाई और ये दिशाएं है ना, ऐसे आदमी की जिंदगी में भी तीन दिशाएं, सुविधा संबंध और अगर तीनों में ठीक हो रहा है कोई ना कोई दुख जिंदगी में सारे तरह के दुखों को दूर करना है, दरिद्र का मतलब
Thank you.
सुविधा सम्बन्ध 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 सुविधा सम्बन्
आप जो अपने लंच ब्रेक करेंगे ना लंच भी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे आप उसमें मैचिंग करेंगे तो लंच के दौरान हम लोगों को आपस में मिल जाए कर रहे हैं आपके उनका अभी तक हम लोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं अच्छा बस अभी पढ़ाई हो गई उसमें चीजों पर बात हुई है और हुई भी है तो ज्यादा किसकी किसी एक पर ज्यादा हुई है बाकी दो तो इसको आप लोग पूछिएगा तो आप लोगों का एक परिचय सबसे करेगा आप अपने बारे में बताएंगे